इंडियन न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। तो आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है चंडीगढ़ से, ये बड़ा अपडेट है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 4,476 पीजीटी की भर्तियों पर एससी ने यानी कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि परीक्षा का पैटर्न बदलने के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी को जारी किया है नोटिस। 2019 में पीजीटी भर्ती का निकाला था विज्ञापन। तो बता दें कि बार बार नियम बदलने के चलते यह फैसला हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है 4,476 पीजीटी की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। परीक्षा का पैटर्न बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार और एचपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है, इस वक्त की जानकारी है। 2019 में पीजीटी के नियम में बार बार बदलाव हो रहे थे। आपको बता दें कि 4,476 पीजीटी की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इस वक्त का यह अहम अपडेट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि परीक्षा का पैटर्न बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, इस तरीके से अब भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, पूरा मामला क्या है ये? साक्षी, मेरी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार यहां पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर फिलहाल जो याचिका दायर हुई थी वो यहां पर अब हटा दी गई है। तो आपको बता दें कि इस खबर पर अपडेट के साथ साक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, जिस तरीके से जो यहां पर अब जानकारी ये आ रही है कि पीजीटी की जो भर्ती थी उन पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से जरा बता दें। जी बिल्कुल, देखिए 4,476 लगभग 4,500 जो पीजीटी के अभ्यर्थी थे जो पिछले 4 सालों से पीजीटी में भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा का जो पैटर्न है वो आयोग के द्वारा बदल दिया जाता था, जिसको संबंध में याचिकाकर्ता जो कि पूनम नाम की एक अभ्यर्थी है उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फिलहाल इस भर्ती पर रोक लगा दी और रोक लगाकर नोटिस दिया है हरियाणा सरकार को और एचपीएससी को, जो कि इस पूरी भर्ती परीक्षा को का आयोजन करता है। और ये भी आपको बता दें कि नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब आपको ये बताऊं कि 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2019 में पहले विज्ञापन जारी किया गया, उसके बाद 2021 में, 2022 में और 2023 में लगातार इस तरह से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए जा रहे हैं, लेकिन कभी विज्ञापन जारी करने के बाद परीक्षा का पैटर्न ये बताया जाता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो भर्ती दोबारा से विज्ञापन जारी होता है, दोबारा से जब विज्ञापन जारी होता है तो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने का एग्जाम पैटर्न बताया जाता है। और हाल ही में जब दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ है तो ये बताया गया कि परीक्षा को 2 चरणों में किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में रोष था, अभ्यर्थी थे कि एक बार अगर परीक्षा का विज्ञापन हो गया है, एग्जाम जो है वो लगातार लटक रही है और विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और ये माना है कि लगातार सतत पिछले 4 साल से इस परीक्षा की जो भर्तियां हैं वो नहीं की जा रही है और परीक्षा पैटर्न में लगातार बदलाव किया जा रहा है। लेकिन साक्षी, जो परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें बदलाव किस कारणवश हो रहा था? जी बिल्कुल, देखिए ये आयोग का फैसला होता है, क्योंकि पहले चाहे लोक सेवा आयोग की बात कर लें, एचपीएससी को जब भी भर्ती मिली उसकी बात कर लें, तो एचपीएससी हो गया या एचएसएससी हो गया, जो भी इस तरह के आयोग होते हैं वो जो भी परीक्षा को आयोजित करवाते हैं उसका पैटर्न डिसाइड करना ये उनका अपना अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं जब जब भी ये परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किए आयोग के द्वारा, इसके पैटर्न्स में लगातार बदलाव किए जा रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी निराश हुए और हाईकोर्ट ने भी आज इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है कि पैटर्न आखिर क्यों बदले जा रहे थे। इसी मामले में आयोग और सरकार दोनों से ही जवाब तलब हाईकोर्ट ने किया। ठीक है साक्षी, खबर पर नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार आगे भी हम लोग लेते रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे।